तो क्लास ट्वेल्थ की गणित और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड मैट्रिक्स ऑफ यू। और आज का टारगेट है हमारा ऑफ यू 3.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। इस 3.2 में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे? पहला अवयवों का योग, दूसरा पहला टॉपिक है आपका अवयवों का योग, दूसरा अवयवों का घटाव या अंतर, चौथा अवयवों का गुणन, और चौथा अवयवों का विभाजन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट? ध्यान रहे, अवयवों का जब योग करेंगे तो कौन सी बातें ध्यान रखें? क्रम, जिसे आप क्या कहते हैं कोटि, जिसे आप क्या कहते हैं ऑर्डर, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी योग पॉसिबल है और घटाव पॉसिबल है। भैया अगर आराम से, बहुत महंगा, अगर क्रम अलग है, कोटि अलग है, ऑर्डर अलग है, तो जोड़ और घटाव पॉसिबल नहीं है। फिर से सुन लीजिए, पॉसिबल नहीं है। जैसे आ जाइए भैया, पहली प्रश्नावली से आ जाते हैं हम लोग। देखिए कैसे करेंगे एक सॉल्यूशन, ए प्लस बी पूछा है, इसका आंसर देख लेते हैं। ए प्लस बी पूछा है, आप ए को लिख दीजिए 2432 प्लस 13 माइनस 25। क्या इन दोनों के कोटि सेम है? दो क्रॉस दो, दो क्रॉस दो, समझ में आया? अगर भैया सेम है तब तो जोड़ हो जाएगा, दो को एक से जोड़िए 3, 4 को 3 से जोड़िए 7, 3 में से 2 घटा देंगे 1, 2 और 5 क्या हो जाएगा 7, यही आंसर हो जाएगा। बोली हाँ या ना? और अगर यहीं पे घटाव पूछा है a माइनस बी, a माइनस बी, तो क्रम सेम है, तो 2, 4, 3, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 5 आ जाइए, 2 में से 1 घटाइए 1, 4 में से 3 घटाइए 1, 3 माइनस माइनस 2, 5, 2 में से, बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से अगर हमसे कोई भी सवाल पूछ रहा है इसमें से, जैसे पूछ रहा है 3a माइनस c, अब एक और बात आ जाते हैं, अब समझ लीजिए गुणन क्या होता है, अवयवों का गुणन, ठीक? अवयवों का योग समझ लिए, घटाव समझ लिए, अवयवों का गुणन, इसमें क्या ध्यान रखोगे भैया? पहली चीज, गुणन किससे? तो अवयवों का जो गुणन है उसकी दो टॉपिक, अवयवों का गुणन दो प्रकार का, किसी संख्या से या फिर अवयव का अवयव से, अवयव का अवयव से। पहले समझ लेते हैं किसी संख्या से, किसी संख्या से अगर गुणा करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें कोई क्रम का ध्यान नहीं होना चाहिए, सभी उस निश्चित संख्या का सभी में गुणा कर दीजिए, समझ आया? जैसे इसमें इसने पूछा 3a
माइनस सी, तो पहले तो 3 इंटू ए, ए क्या है भैया आपका 2 4 3 2, क्या है 2 4 3 2 माइनस, और सी क्या है, सी क्या है 1 - 2 3 2, बोलो हाँ या ना, 5 है वो -2 3 5 4, ओहो -2 5 3 4 यही, कोई दिक्कत? तो ये किसी संख्या से गुणा, किसी संख्या से गुणा मतलब सभी में उससे गुणा कर दिए, 6 12 9 6 माइनस -2 5 3 4 घटा दीजिए भैया 6 में से माइनस 8 नहीं समझे, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, बोलो हाँ या ना आंसर, कोई दिक्कत? तो अगर किसी संख्या से अगर गुणा करने के लिए कह रहा है तो गुणा कर दीजिए। अवयवों का गुणन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बताएगा, अवयवों का गुणन कैसे करना है, तो अवयवों का गुणन का एक है, मान लो अवयव ए है और अवयव बी है, तो इसका हमें कोट ध्यान देखना है, क्रम क्या ध्यान देखना है, पहला जो ऑर्डर में जो पहली संख्या आती है वो किसको बताती है, रो को, और दूसरी कॉलम, और इसका भी अपना रो कॉलम होगा, इसका भी अपना रो कॉलम होगा, होगा कि नहीं होगा, अब मान लेते हैं इसका रो है यम क्रॉस यन, बोलो हाँ है ना, तो ए और बी का आपस में गुणा तभी पॉसिबल है जब इसकी शुरुआत यन क्रॉस किसी से भी हो, ये दोनों सेम होने चाहिए भैया, अगर सेम है तब तो गुणा पॉसिबल है, अगर सेम नहीं है तो गुणा मत करना, कह देना सवाल गलत है, पढ़ से अब कैसे करते हैं वो समझना है, समझे, अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन कैसे करते हैं, तो भैया एक फॉर्मूला इसको और इसको, ये इसका ट्रिक है, इस तीर को फॉलो करिए ठीक, और बीच बीच में जोड़, कोई दिक्कत, ये ट्रिक समझा, ये जो तीर है ये पहली वाली संख्या अवयव ए के लिए है और ये जो तीर है ये दूसरी अवयव बी के लिए है, ए का गुणन बी से करना है, ऑर्डर सेम है, उसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, उसका कॉलम और इसकी रो बराबर है, समझे ना, तभी गुणन पॉसिबल है, तो इसमें इस तीर को फॉलो करना, इसमें इस तीर को फॉलो करना, और बीच बीच में क्या करते रहना, जोड़, कितने लोगों को अभी तक अवयवों का गुणन उन्होंने पढ़ा नहीं है, हाथ उठाए, भैया देखो तुम्हें समझ में आना चाहिए, सूर्यांश तो समझ लेंगे, सूर्यांश अभी तुम चाहो तो इनको पीछे छोड़ सकते हो, बहुत पीछे छोड़ सकते हो भैया, बहुत पीछे, अगर चाहो तो पढ़ के, लेकिन कैसे छोड़ोगे, रुक जाइए, मैं एक सवाल आप ही के में से दूंगा, कोई समस्या, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया है? 10 सवाल ही है इसमें, वाह आशीष जी,
दस ही सवाल रहे हैं, 16 कहाँ से आ गया? 16 ही पेज तो था इसमें, दूसरा खोल दिया क्या? वही तो मैं सोच रहा हूँ। वही तो मैं सोच रहा हूँ, दूसरा खुल गया क्या? नहीं भाई, ये वही है 3.2। कहाँ? चौथे सवाल में अरे मैं डायरेक्ट ही याद कर लूँ। देखिए ए बी याद करनी है, ठीक, क्या याद करना है? ए बी, ये कितना है? दो, चार, तीन, दो। ए बराबर दो चार तीन दो, इसका ऑर्डर दो क्रॉस दो है। बी बराबर एक तीन पांच, भैया इसका भी ऑर्डर क्या? इसका पीछे वाला इसका आगे वाला सेम है, तो इसका मतलब गुणन हो। अच्छा एक और बात, जो नया आव्यूह बनेगा, नया आव्यूह उसका ऑर्डर क्या होगा? यम और पी, नया आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा भैया? यन हटा दो, यम क्रॉस पी होगा। समझ में आया कि नहीं? आइए, तो नया आव्यूह जो ए बी बनने वाला है उसका क्या होने वाला है ऑर्डर? ओ, दो क्रॉस दो वाला, कोई दिक्कत? अब सुनो, रूल वही फॉलो करना है, ये और बीच बीच में सुनो, दो का गुणा पहले पहले इसका मतलब ये दो चार और ये एक माइनस दो का गुणा करना है। दो का गुणा उसके पहले से और बीच में जोड़ चार का गुणा माइनस दो से, बस खत्म, गया, टाटा बाय बाय। अब इसी का इस वाले से, तो दो का गुणा बीच में जोड़ और चार का गुणा पांच से, समझ में कोई दिक्कत? खत्म। अब इसकी बारी, अब इसका इसके पहले वाले से, तो तीन का गुणा एक से और प्लस दो का गुणा माइनस दो से, इसी तरीके से तीन का गुणा है, तीन का गुणा और फिर दो का गुणा पांच से। समझ में आया? तो आंसर आने वाला है दो एक कम चार दुनी दो में से आठ गए, बोलो हाँ है ना, तीन दुनी पांच चौक बीस छह, तीन एक कम दो दुनी छह में से चार गए हैं। अच्छा तीन गुड़े एक है, तीन एक कम तीन और माइनस चार, तीन त्रिक पांच दुनी कितना हो गया? ये आंसर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए इसका आंसर यहां, माइनस छह छब्बीस माइनस एक माइनस, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो ये था हमारा गुणन। अब आते हैं क्या? होगा कहानी खत्म, मत करना, मतलब इसका पीछे वाला उसका आगे वाला अगर समान मतलब सेम रहेगा तो करेंगे गुणन,
सर ये बोल रहे हैं कि जैसे वो यम क्रॉस बी का अगर वो समान नहीं है। रुको रुको रुको, हाँ बोलो। जैसे ये दोनों समान है, ये दोनों क्या यम यन 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 समान है। हाँ ये समान है, अगर यम और बी समान है तो भी कर सकते तो कर। ये मैंने बताया कहाँ समान है, उसका जो क्रम बनेगा वो यम क्रॉस बी का बनेगा। कहो सर एक एग्जाम्पल दीजिए, बोलिए। मैं सोच रहा हूँ कि तब ये का एग्जाम्पल दो, तुम सोच रहे हो कि सर अपने मन से दे दीजिए, तो बोलिए तुम ही बताओ कौन सा ए रखूं। तीन चार पाँच नौ चार तीन, बस ये क्या बना? कौन बोला? कौन बोला? हाँ तो ध्यान रखना भैया, जो बी बनाने वाले हो उसमें कितना बनना चाहिए? तीन रो बनना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाकी कॉलम चाहे जो बनाओ, बोलो। पांच सात नौ आठ पांच तीन दो एक जीरो, बस। क्या ये तीन क्रॉस तीन है? yes. तो ये तीन, ये और ये हट जाएगा, जो नया ऑर्डर आएगा ए बी का उसका क्या होगा? दो क्रॉस क्या होगा? देख लें, देख लें। तो ए बी बराबर, देखो भैया ब्रैकेट लगाइए, ये फार्मूला लगाइए, ये फार्मूला तीन का गुणा भैया पंद्रह प्लस चार का गुणा आठ से, बोलते जाइए भैया सुनो, बत्तीस और प्लस पांच का गुणा दो से दस हो गया, ये हो गया। अब इसकी गुणा इससे, अब ये हो गया ना पारा, अब दूसरे वाले से तीन का गुणा सात से, चार का गुणा पांच से, पांच का गुणा एक से, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब तीन का गुणा नौ से, तीन का गुणा चार का गुणा जीरो, कोई दिक्कत? पहले वाले का काम खत्म। अब बारी नौ चार तीन की, नौ चार तीन की गुणा पांच आठ दो से पैतालीस प्लस बत्तीस प्लस छ आगे तिरसठ बीस तीन इक्यासी बारह जीरो, ब्रैकेट बंद। यानी उत्तर आने वाला है पंद्रह बत्तीस और दस, जोड़ो भैया फटाफट, सत्तावन इक्कीस बीस और पाँच छियालीस, सताईस बारह उनतालीस, पैंतालीस बत्तीस और छः तिरसठ बीस और तीन इक्यासी और बारह, बोलो ये दो क्रॉस तीन है कि नहीं? बोलो दो क्रॉस तीन है, समझ में आया कि नहीं आया? मैथ वो तो टाइम नहीं है, है ना, वरना अपनी जर्नी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो कौन से सब्जेक्ट से? मैथ से, वो तो केमिस्ट्री 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 हो गई, वो भी फ्री। सोचो तुम्हें केमिस्ट्री की फीस दे रहे हो 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से, साल भर का कितना 6000, उसमें मैथ हो इतना जबरदस्त फ्री मिल रहा है उस समय। इंग्लिश फिजिक्स तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड। क्यों नहीं मिलेगा? मात्र एक घंटे के लिए, वो उसके बाद भी हट जाएगा। अब जैसे चार दिन बाद देखना चाहते हो, नहीं देख पाओगे, पाँच दिन बाद डाउनलोड भी कर लोगे तो भी, और कितना डाउनलोड करोगे, कितने दिन का वीडियो? ऐसे अच्छा 999 रुपये वाला कोर्स लेके जाके एंट्री, सब जा रहा है। ओ गजब मजाक करते हो, चलो आगे। हाँ क्या बता रहे थे? अगला टॉपिक क्या था? अवयवों का दो प्रकार, अवयवों का विभाजन दो तरीके, किसी संख्या से
किसी संख्या से, ये भी दो प्रकार। संख्या का भाग देना चाहते हो कि संख्या बाहर निकालना चाहते हो? दोनों, ठीक है, चॉइस नहीं दे रहा हूं, कह रहे बाहर निकालना चाहते हैं दोनों। एक है आपका कि संख्या का भाग करना चाहता हो, उसको कहते हैं एज अ घोड़ा। जैसे पांच से भाग करना है तो सभी में पांच से भाग कर दो, जैसे गुणा के, तो वैसे पांच में सबसे। और मान लो कुछ ऐसा है इस तरीके का कि इसमें 10, 20, 30 और 40 है। अब आप निकालना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? निकालना चाहते हो, तो 10 से सब में भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 10, 1, 2, 3, 4। कामल लेना जानते हो? Yes, समझ में आए क्या? कुछ भी लो भैया, हम तब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, सॉरी 2, 4, 6। आंसर, आंसर क्या दिया हो ये हमको बताइए। आपके पास 20/4 पैसा है और आपके पास 10/2 पैसा है और आपके पास भैया 5 पैसा है, तो बताओ किसके पास ज्यादा पैसा है? सबके पास हमारा समान। तो क्या समझना, दोनों उत्तर ही सही है। नहीं समझना, ये दोनों एक ही है भाई, आप लिख रहे हो अलग अलग तरीके से, ठीक। और विभाजन नहीं पढ़ना, आव्यू भागे आव्यू नहीं करना। कर सकते हो, पूछो कैसे, तो उसके लिए प्रश्नावली 3.3। पहले पहले याद करिए प्रतिलोम आव्यू। जैसे मान लो ए का बी से क्या करना है, भाग करना है, तो आप लिखोगे भैया ए बटा बी। बोलो, आप लिखोगे सर ए इंटू बी इनवर्स। अब पहले बी का क्या निकाल लीजिए, इनवर्स प्रतिलोम, तस्मक नहीं, फिर गलत शब्द बोला मत करिए बीच में, इकाई की इकाई कह रहा है, तस्मक माने इकाई अभी हो गया, प्रतिलोम प्रतिलोम इनवर्स इनवर्स, हाँ तो बी इनवर्स निकाल लीजिए। अब जब बी इनवर्स निकाल लियो तो ए और बी इनवर्स का गुणा कर दीजिए इसी हिसाब से, आ गया। समझ में आएगा ना? चैप्टर एक्सरसाइज समाप्त। अब सब लोग अपने बुक में देखिए, पहला सवाल ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी और बी ए कर लोगे कि नहीं? ए बी और बी ए कर लोगे? दूसरा दूसरा सवाल, क्या इन सभी अवयवों को जोड़ लोगे? Yes, क्या ये जुड़ जाएगा? Yes, क्या ये भी जुड़ जाएगा? Yes, क्या ये भी जुड़ जाएगा? Yes, क्या ये भी जुड़ जाएगा? Yes, बोलो हाँ ना। इसको कहोगे सर ये क्या लिखा है, कॉस इनवर्स, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और उत्तम कहेंगे सर इतना आंसर नहीं आ रहा है, कह रहे नहीं ये सर सही नहीं है, ये उत्तर सही नहीं आ रहा है सर, वो किताब में तो 1111 उत्तर लिखा हुआ है। अरे भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 नहीं होता, त्रिकोणमिति पढ़े नहीं हो तब, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। बोलो हाँ या ना, खत्म गया, टाटा बाय बाय। तीसरा कह रहा गुणन करिए भैया, कर लोगे इसका गुणा इससे? बोलो, अरे यार क्या इसका गुणा इससे कर लोगे?
नहीं सर, ये कर पाऊंगा कि नहीं? अरे भैया इसको तीन क्रॉस एक कहते हैं, इसे एक क्रॉस तीन कहते हैं, तो बताओ जो नया आएगा उसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक का गुणा दो से, एक का गुणा तीन से, एक का गुणा चार से, दो का गुणा चार, दो तिहाई छ, और दो चौक, फिर तीन का गुणा दो से, फिर तीन हो गया। नहीं समझे? ध्यान से समझना, जब एक का इसका एक का गुणा इससे करोगे तो एक का गुणा केवल किससे करोगे? दो से। हो गया, अब उसके अलावा और कोई है ही नहीं। अब एक का गुणा किससे करोगे? उसके अलावा और कोई है ही नहीं। अब एक का गुणा किससे करोगे? समझ में आएगा ना? आंसर आ जाएगा। पूरा नोट्स बनाना ईमानदारी से, चाहे समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। इस गर्मी की छुट्टी का उद्देश्य हमारा एक कॉपी भरना है, मैथ पूरा चैप्टर खत्म। और कैसे नहीं आएगा? ये गुणा हो जाएगा भैया, ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, कर लेना। चौथा सवाल ध्यान से समझिए भैया, ए बी सी दिया है, अब कह रहे ए प्लस बी, बी माइनस सी, याद करिए कौन का पहाड़ है? अरे यार पार्सिंग, ए ए पहले बी माइनस सी कर दो तभी मैं जोड़ दो, वो साहचर्य का नियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पांचवा सवाल भैया, पांचवा सवाल, थ्री ए माइनस फाइव बी ई कौन पर? पहले तीन से गुणा कर दो सब में, इसमें पांच से गुणा कर दो, फिर जो आए दोनों घटा दो। का गलत कह रहा हूं? कहा कर ही रहा हूं मैं, मुझे पूरा एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म करनी है, ठीक है? आप करोगे लेकिन घरे। अब बताइए ये cos थीटा है और ये बाहर है, पहले सब में अंदर कूड़ा कर दीजिए भैया, बोलो हाँ या ना? सब में अंदर कूड़ा कर दीजिए, बोलो हाँ या ना? और उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आएगा ये। बोलो कोई दिक्कत? x तथा y ज्ञात कीजिए, x प्लस y इतना है, x y इतना है, ये सवाल बोलो बता दूं, बोलिए बता दूं, इसमें करना क्या है? पहले x प्लस वाई देखो कैसे करना है। x प्लस वाई बराबर सात जीरो दो पांच, और एक्स वाई कितना है? तीन जीरो, सब में y से भाग दे दीजिए या x से भाग दे दीजिए, किससे दोगे भाग? कौन x से सर भाग? तो ये क्या बचेगा? ये कोई दिक्कत? इसको रख दीजिए वहां, अरे नहीं नहीं है, रुक जाओ भैया रुक जाइए, रुके, इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना चाहिए, एक्स वाई से थोड़े भाग करेंगे हम, रुको मैं बता रहा हूँ सब होगा। पहला मेरा दिमाग कह रहा है कि सात को दो संख्या में विभक्त कर लीजिए और तीन को भी दो संख्या में गुणा में कर लीजिए, वो दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। तो एक तो डायरेक्ट आंसर देखो कैसे आने वाला है, तीन का गुणनखंड करिए, तीन गुणे एक तो तीन एक, कोई दिक्कत? आप लिखिए उसको छह गुणे एक, नहीं ये तो यक्स गुणे वाई है ना, हमको यक्स और वाई ज्ञात करना है।
अच्छा ऐसा करें, देखो कितना अच्छा हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग, थोड़ा कठिन कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रुकिए, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे हम, करें हमको चाहिए x माइनस वाई, भैया हमको क्या चाहिए, तो क्या x माइनस वाई को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का वर्ग x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस फोर एक्स वाई। मुझे लगता है सवाल गलत है, इसमें प्रिंट गलत हुआ है, बुक में कहिए सर ये एक्स वाई नहीं एक्स माइनस वाई है, आप लोग कहिए इसको सर। अरे मेरे कंप्यूटर महोदय ऐसे करोगे, ऑनलाइन क्लास में बेइज्जती करा दी। अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा दिमाग इसमें बताऊं यार, बहुत हार्ड लेवल हो जाएगा, उतना कठिन तो पहली प्रश्नावली में नहीं होना चाहिए। आप दोनों को जोड़ दीजिए यार, समझे कि नहीं समझे, तो समीकरण एक और समीकरण एक धन दो कर दीजिए तो वाई वाई तो कितना आएगा, और ये क्या आएगा, सात तीन जीरो जीरो दो आठ, दो को भाग कर दीजिए तो x बराबर पांच जीरो एक, बोलो हाँ है ना। अब x की वैल्यू आ गई एक में पुट करके y की वैल्यू रख लीजिए, क्या यार मजाक, इतना इतना सीरियस मजाक नहीं किया जाता, यहाँ x y नहीं है। यहाँ ये x y नहीं है, x माइनस y है, ठीक, तब आएगा ये। ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा, दो जीरो, बोलो है कि नहीं। ठीक, बहुत आसान है, टाइम वेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मिसप्रिंट हो गया था। इसके बाद के जो सवाल है उसमें से देख लीजिए कौन कौन सा, हाँ ग्यारहवां बारहवां, चलिए ग्यारहवां बारहवां जो है, हाँ अब तेरहवां हमारे वाले में नहीं है, या तो आपको बोलना पड़ेगा, कल से ऐसा समस्या नहीं रहेगा। ठीक है, कल से आशीष जी ने कहा है कि सब मेंटेन कर लेंगे। हाँ बताइए, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, सर आज हम मिले। अरे भैया क्या मजाक करते हो यार, पहले एक एलिमेंट है, बोलिए सर अभी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये पहला एलिमेंट है, यस, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है माइनस, अरे तो का बताइए ना, मैं क्या जान रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
साइन एक्स बस करना है तो एफ वाई क्या एफ एक्स इंटू एफ वाई सिद्ध करना है क्या एक्स प्लस तो दिक्कत क्या है एलएचएस ले लीजिए एलएचएस नहीं लेना आता क्या बोलिए पहले एलएचएस लीजिए मैंने क्या बोला एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ एक्स बोल दीजिए क्या है वही रिपीट कर दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो अब बताओ इंटू वाई रख दीजिए उसकी जगह कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 क्या सबका गुणा कर सकते हैं कर दीजिए सबको आता है भैया ये मत कहना सर नहीं आता कॉस एक्स का कॉस हाँ माइनस जीरो जीरो बोलो जीरो जीरो अब फिर से कॉस एक्स माइनस बोलिए माइनस साइन एक्स बोलिए बोलिए और उसके बाद कोई दिक्कत अब बताओ जीरो का क्या हो जाएगा जीरो जीरो का मतलब इसका गुणा इससे जीरो इसका गुणा इससे जीरो इसका गुणा इससे जीरो कोई दिक्कत अब बताइए साइन एक्स का गुणा कॉस वाई से प्लस प्लस बोलिए कॉस एक्स का समझ में आ रहा है कि नहीं और जीरो का साइन एक्स का माइनस साइन वाई से बोलिए हाँ प्लस कॉस एक्स इंटू और जीरो का अब आइए जीरो का जीरो का वन का जीरो का जीरो का वन का और जीरो का अरे पागल जीरो 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 प्लस वन वन बोलो हाँ या ना एक दिमाग और थोड़ा सा ये बताओ ये कौन सा फार्मूला बन रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है भैया दोनों कॉस है मतलब कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला है अब इसमें ये प्लस होता है हाँ कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला कॉस एक्स माइनस वाई में होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स हाँ या ना अब बताओ इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस कॉमन ले लिया साइन वाई कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई प्लस अरे भैया साइन एक्स प्लस और ये इसमें आ रहा है साइन एक्स प्लस बोलो इसमें आ रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और ये और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं एल एच एस इक्वल टू प्रूव दैट गजब गजब अरे तो क्या सोचे थे सरदार को नहीं आएगा कर लीजिए और कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 13 था
जो अभी मेरे में नहीं है कल से सब रहेगा। मुझे पूरी है, पूरा एक्सरसाइज इसमें का खत्म चाहिए कल, ठीक है। घर पे जाके ताबड़तोड़ पड़ी, आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। 1900 में पूछना है।